तो 45 क्वेश्चन तक हो गया था। अब देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर बोलता है टियर कंडीशन द बोगी फ्रेम बोलस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन एसी जीएस एसडीसी एससीएन कोचेज। अब ये बोल रहा है बोलस्टर क्लियरेंस, तो सबसे पहले समझेंगे कि बोलस्टर क्लियरेंस कहाँ से कहाँ तक होगा। तो जब कोच रहता है, ये मान लीजिए कोच है हमारा, यहाँ पर दो बोगी लगा हुआ है, तो कोच कोच और बोगी लगा हुआ है, तो बोगी में बोगी फ्रेम और उसमें एक बोलस्टर होता है, बोलस्टर। तो फ्रेम और बोलस्टर के बीच की दूरी उसको बोलते हैं बोलस्टर क्लियरेंस। तो बोलस्टर क्लियरेंस जो होता है, बोलस्टर क्लियरेंस इसको लिख देते हैं, बोलस्टर क्लियरेंस ये होता है 40 ± 5 μm। बोलस्टर क्लियरेंस होता है 40 ± 5 μm। कब? ये टेयर कंडीशन, जब इसके ऊपर खाली कोच रहेगा तब, टेयर कंडीशन में। उसके बाद जब लोडेड कंडीशन होगा, ग्रॉस लोड, जिस समय आपका आदमी लोग कोच के ऊपर चढ़ा रहेगा, तो उसको बोलते हैं लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में क्या होता है, वेट इसके ऊपर जब आदमी बैठेगा, जिसका वेट बढ़ेगा कोच का, तो बोगी के ऊपर पड़ेगा, तो बोलस्टर हल्का सा डाउन होता है। तो डाउन होने से क्या होता है, जो 40 mm वाला था वो जाता है 74 mm, 74 ± 3 mm, याद रखिए। यानी ये बोलस्टर क्लियरेंस जो है, पहले था टेयर वेट में 40 ± 5 mm, जब इसके ऊपर आदमी बैठ गया, लोड बढ़ गया, तो हो गया 74 ± 3 mm। इसके बाद आता है टेयर कंडीशन, बोगी क्लियरेंस ऑफ नॉन एसी जीएस एसडीसी एससीएन कोचेज। जितना भी नॉन एसी कोच है, जीएस कोच है, एससीएन है, स्लीपर है, उस सभी का टेयर कंडीशन में बोगी बॉडी क्लियरेंस। अब ये तो था बोलस्टर, बोलस्टर क्लियरेंस था जो बोगी के अंदर था, अब है कि बोगी का और बोगी का क्लियरेंस। ये जो क्लियरेंस होता है, बोगी बोगी बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, कोच बोलते हैं ऊपर पार्ट को। ये हो गया कोच और ये हो गया बोगी, BOGY बोगी, ठीक है। तो ये BOGY बोगी, ठीक है। तो कोच और बोगी, यानी बॉडी, कोच का बॉडी होगा और बोगी होगा, ये दोनों का क्लियरेंस जो होगा, ये दोनों क्लियरेंस टेयर कंडीशन में 70 ± 3 mm होता है। बॉडी बोगी क्लियरेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोच का बॉडी होगा और एक बोगी होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो क्लियरेंस होगा, 70 ± 3 mm होगा। जब लोड बढ़ेगा, कोच के ऊपर लोड बढ़ेगा तो, और इसका ये घट जाएगा, अब ये हो जाएगा 36 ± 3 mm, 36 ± 3 mm। टेयर कंडीशन में ये हो गया, टेयर कंडीशन ये हो गया लोडेड कंडीशन, ठीक है। तो टेयर कंडीशन जब इसमें आदमी नहीं बैठा था, उस समय कोच बॉडी और बोगी क्लियरेंस, ये दोनों के बीच की दूरी 70 ± 3 mm था। जब इसके ऊपर आदमी बैठ गया, लोड हो गया, तो ये 70 ± 3 घट के हो गया 36 ± 3, जीएस कोच के लिए या स्लीपर कोच के लिए। फिर 50 नंबर कोच, ये व्हाट शैल बी पीरियड ऑफ द क्लीनिंग ऑफ कारपेट ऑफ एसी कंपार्टमेंट। अब बोल रहा है कारपेट, कारपेट ऑफ एसी कंपार्टमेंट ये होता है 1 month, 1 month। याद रखिएगा, वाटर टैंक जो पानी के टंकी का सफाई भी करते थे 1 month पे, और कारपेट ऑफ एसी का अपार्टमेंट भी साफ करते हैं 1 month पे। ऑल न्यूली बिल्ड कोचेज शैल बी गिवन IOH आफ्टर। कोई भी नया कोच बन के आता है, नया कोच, न्यू न्यू कोच है, ICF कोच की बात हो रहा है, ICF, तो न्यू कोच का जो POH होगा, पहला POH 1 साल होगा, 1 year, नहीं ये 2 साल होगा, 2 year, और IOH जो होगा, IOH
योगा वन ईयर, ये याद रखिए, ये पूछता है। नया कोच जब बन के आता है उसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 2 साल पे होता है और नया कोच का आयोएच जो होता है 1 साल पे होता है। यही जब पुराना होगा ओल्ड होगा आईसीएफ कोच तो ये हो जाएगा 18 महीना, पीओएच इसका हो जाएगा 18 महीना, आयोएच होगा 9 महीना, 9 मंथ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 नंबर है रिवाइज्ड मैक्सिमम पेलोड ऑफ एनएमजी कोचेज। एनएमजी होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन, एनएमजी, ये भी क्वेश्चन आता कभी कभी, एनएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बोगी लाने ले जाने के काम करते हैं, कुछ सामान है या चक्का है या बिल है इसको ढोने के काम करते हैं। तो इसका जो जो पेलोड है वो होता 9.2 टन, 9.20 टन, याद रखिएगा, पूछता है एनएमजी गाड़ी का पेलोड पूछता है 9.2 टन होता है। लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आयरस कोचेज, इससे पहले लेंथ ओवर बॉडी हम लोग देखे थे आईसीएफ का, आईसीएफ का लेंथ ओवर बॉडी कितना था, 21,337 mm था। इसका जब हम बफर प्लंजर के साथ जब जोड़े तो 22,297 mm हो गया। अभी आईआरएस कोच का पूछ रहा लेंथ ओवर बॉडी पूछ रहा है बफर प्लंजर के साथ में सिर्फ ऐसे ही, तो इसका हो जाएगा 21,030 mm। ठीक है, 21,030 mm आयरस कोच का लेंथ ओवर बॉडी जिसमें बफर प्लंजर शामिल नहीं है। इसके बाद लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज आपको बताइए हैं, 22,297 mm होता है 54 नंबर क्वेश्चन। फिर 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेंथ ओवर बफर आयरस कोच। अब देखिए आ गया बफर के साथ ये होता है 21,996, 21,996 में, ये याद रखिए। अच्छा, इसके साथ हम आपको एलएचबी का भी बता देते हैं साथ में, तो ये चीजें हैं क्लियर हो जाएगी। जो एलएचबी है, एलएचबी कोच होता है, इसका टोटल बफर नहीं होता है, इसमें होता है सीबीसी कपलिंग लगा रहता है। ये मान लीजिए कोच है और बीच में सीबीसी कपलिंग लगा रहता है, तो ये पूरा डिस्टेंस सीबीसी कपलिंग के साथ 24,000 mm होता है। और सिर्फ इस पार्ट की बात करें लेंथ ओवर बॉडी एलएचबी का, तो वो होता है 23,540 mm। ठीक है, तो याद रखिए ये छोटा वाला होता है 23,540, सिर्फ बॉडी की बात बोल रहे हैं ये, और ये जो बड़ा है सेंटर बफर के साथ तब हो जाएगा 24,000। कंपेयर कर सकते हैं इसमें आप, आईसीएफ कोच का जो पूरा लंबाई होता है 21,337 mm होता है बिना बफर के साथ, बफर के साथ 22,297 होता है। आईआरएस कोच का 21,030 mm होता है विथ बफर के साथ 21,996 mm होता है। एनएचबी में सेंटर बफर कपलर को के साथ में करेगा तो 24,000 mm आएगा, इसको जब हटा देंगे सिर्फ बॉडी की बात करेंगे तो 23,540 mm। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिए हैं, याद कर लीजिए। इसके बाद फिर पूछ रहा है कि ओवर ऑल वाइड ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज, अब बोला चौड़ाई क्या होता है, ये चौड़ाई ये कोच है, इस कोच की ये चौड़ाई कितनी होती है, ये चौड़ाई होता है 3245 mm आईसीएफ का होता है 3245 mm चौड़ाई। आईसीएफ का हो गया, आईआरएस का चौड़ाई, आईआरएस का चौड़ाई होता है 3251 mm। ठीक है, उसके बाद ये एलएचबी का भी बता देते साथ में, इसमें एलएचबी का दिया भी नहीं, बाद में आएगा, ये होता 3240। ठीक है, तो कोच की चौड़ाई
आईसीएफ कोच की चौड़ाई 3245 mm, आईआरएस कोच की चौड़ाई 3251 mm और एलएचबी कोच की चौड़ाई 3240 mm होता है। ठीक है, अब बात आई हाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि रेल लेवल से, ये रेल लेवल है, रेल लेवल से ये कोच का हाइट, तो ये कोच का हाइट रेल लेवल से ही मेजर करते हैं, ये रेल लेवल से कोच का हाइट मेजर करते हैं। आईसीएफ, आईसीएफ का होता है कितना होता है 4025 mm। आईसीएफ कोच होगा तो उसका जो हाइट होगा रेल लेवल से पूरा हाइट, पूरा कोच का हाइट, रेल लेवल से पूरा कोच का हाइट होगा 4025 mm। एलएचबी रहेगा तो इसका हो जाए 4039 mm। ठीक है, और एलएचबी में भी एलएचबी थर्ड एसी होगा, जो थर्ड एसी होता है पार्टिकुलर, वो 4250 mm होता है, याद रखिए। आईसीएफ का हाइट होता है 4025 mm, एलएचबी का हाइट होता है 4039 mm, लेकिन एलएचबी में थर्ड एसी जो होता है उसका हाइट 4250 mm, यानी सबसे ज्यादा हाइट इसी का है। इसके बाद देखिए आईआरएस कोच एक है, आईआरएस कोच का तो चौड़ाई बताई दिए थे 3251 mm। फिर 58 नंबर क्वेश्चन थे हाइट फ्रॉम रेल लेवल आईसीएफ कोच 4025 mm, आईआरएस कोच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल टू टॉप ऑफ द रूफ। अब देखिए आईआरएस कोच का हाइट पूछ रहा है 3886, आईआरएस कोच का हाइट हो गया 3886, याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारे डेटा पूछते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ सकता है। आईआरएस कोच का हाइट 3886 mm, एलएचबी थर्ड एसी होगा 4250 mm, एलएचबी सीधा पूछेगा तो 4040 mm, आईसीएफ कोच का हाइट पूछेगा रेल लेवल से तो 4025 mm, चौड़ाई की बात करें आईसीएफ का चौड़ाई 3245 mm, आईआरएस का चौड़ाई 3251 mm, एलएचबी का चौड़ाई 3240 mm। आपको लंबाई भी सब बता दिए, चौड़ाई बता दिए, हाइट बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन है इन आईसीएफ कोच 60 नंबर क्वेश्चन है रिप्लेस द हेड स्टॉक इफ द थिकनेस इज रिड्यूस मोर देन। अब आईसीएफ कोच है, आईसीएफ कोच का अगर हेड स्टॉक बोगी में है, हेड स्टॉक बोगी नहीं बोल रहे हैं, हेड स्टॉक की बात कर रहे हैं, कोच का जो हेड स्टॉक होगा नीचे वाला पोर्शन होगा, ये अगर ये 12 mm का रहता है हेड स्टॉक, अगर ये 4 mm का हास हो जाता है यानी 8 mm बच जाता है, 4 mm अगर हास होता है, गिर जाता है या कोरोटेड हो जाता है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं हेड स्टॉक को, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो किसी भी हाल में। इसके बाद है मेंटेनेंस रिपेयर प्रोसीड्योर ऑफ हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर यूज्ड ऑन द कोचिंग स्टॉक, आरडीएसओ टेक्निकल कंप्लेंट इज यूज्ड हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर। अब ये कुछ डेटा है जिसको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, कंप्लेंट से भी, आरडीएसओ कंप्लेंट नंबर इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठा देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एलडीसी जीडीसी या फिर एमई में आ जाएगा कि हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर का, हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर का डायरेक्ट पूछे, हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर का कॉम्प्लेक्ट नंबर होता है C6803। इसके बाद है फिर पूछेगा बिल एंड एक्सल मैनुअल आरडीएसओ टेक्निकल कॉम्प्लेक्ट नंबर, यानी ये 62 नंबर क्वेश्चन मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर बिल एंड एक्सल, बिल एंड एक्सल इसका पूछेगा तो आपका C7907 याद कर लीजिए, कुछ चीज है जो याद करने योग्य है। इसके बाद पूछेगा इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन पैसेंजर कोचेज आरडीएसओ कॉम्प्लेंट नंबर, एयर ब्रेक, एयर ब्रेक इसका कॉम्प्लेंट नंबर है C8805। इसके बाद एक और है वाटर रेजिंग सिस्टम SK
86209 इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलिंग ऑफ वाटर ऑफ एयर ब्रेक कोचेज आर ये सो कंप्लीट नंबर। अब ये वाटर रेजिंग सिस्टम, वाटर रेजिंग सिस्टम, इसका देखिए कंप्लीट नंबर है C9009। तो ये चार कंप्लीट नंबर मुख्य रूप से पूछा जाता है। पहला हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर का 6803, विलेन एक्सल का 7907, एयर ब्रेक का 8805, वाटर रेजिंग सिस्टम का 9009। इसे ज्यादा नहीं पूछेगा। और एक आता है मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ IRSA 600 स्लेक एडजस्टर RDSO कंप्लीट नंबर। अब जी ये होता है G92 स्लेक एडजस्टर, ये भी था, ये हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर था, ये स्लेक एडजस्टर, स्लेक एडजस्टर है, स्लेक एडजस्टर का होता है G92, याद रखिए, ये पूछा जाता है। इसके बाद ए शेड्यूल फॉर द पेंटिंग ऑफ लैबोरेटरी ऑफ इनसाइड इज डन। लैबोरेटरी है कुछ का, उसका पेंटिंग ए शेड्यूल में जब कब करते हैं तो बी शेड्यूल में होता है, बी शेड्यूल्स में होता है पेंटिंग, पेंटिंग ऑफ लैबोरेटरी, पेंटिंग ऑफ लैबोरेटरी, पेंटिंग ऑफ लैबोरेटरी बी शेड्यूल में होता है, याद रखिए। परमिटेड लगेज अलाउड फॉर द सेकेंड क्लास पास, सेकेंड क्लास पास लेकर चलिएगा तो 50 kg, 50 kg पर हेड ले जा सकते हैं। वही जब आप फर्स्ट क्लास पास लेकर चलिएगा, परमिटेड लगेज अलाउड फॉर द फर्स्ट क्लास पास वो होता 70 kg, 70 kg पर हेड, यानी ये हो गया सेकेंड क्लास के लिए, ये हो गया फर्स्ट क्लास के लिए। सेकेंड क्लास में 50 kg पर हेड, जनरल में जाइए, स्लीपर में जाइए, और फर्स्ट क्लास जब एसी में घुसिएगा 70 kg पर हेड लेकर चल सकते हैं। रीपेंटिंग ऑफ कोचिंग स्टॉक एज पर सी शेड्यूल इज डन एट एवरी 5 years, क्या होता है ये रीपेंटिंग ऑफ कोचिंग स्टॉक, जितना भी कोच होता है रीपेंटिंग किया जाता है, सी शेड्यूल इज डन एवरी 5 years के बाद पूरा फिर से किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रिहैबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। अब रिहैबिलिटेशन ऑफ कोच जो होता है वो याद कर लीजिए, इसको रिपेयर किया जाता है ये 12 से 15 साल के बाद किया जाता है, रिहैबिलिटेशन ऑफ कोच, इसमें 25% ऑफ कोच लगाया था, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट ऑफ कोचिंग स्टॉक, किसी भी कोच को रिपेयर करने के लिए रिहैबिलिटेशन कॉस्टिंग में आएगा तो 12 से 15 साल के बाद आएगा और 25% ही इसमें पैसा लगाया जाएगा। मान लीजिए किसी कोच बनाने में 1 करोड़ खर्चा होता है तो इसमें 25 लाख रुपया खर्चा लगाया जाएगा। इसके बाद बोलता है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोचेज। अब ये कि इमरजेंसी विंडो कोई भी कोच है, कोच में इमरजेंसी 4 रहता लगा, देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, एक साइड में 2 को एक साइड में 2 को इमरजेंसी विंडो, 4 इमरजेंसी विंडो लगाया जाता है, किसी आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी विंडो के कबाड़ के बाहर निकला जा सकता है। मान लीजिए अंदर में आग लग गया, फायर हो गया अंदर में, इस कंडीशन में आप इमरजेंसी विंडो उखाड़ के बाहर निकाल सकते। एडवांस इंटरवल शेड्यूल सी एग्जामिनेशन ऑफ बीजी कोचेज ईच। शेड्यूल सी देखिए, इसमें ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल, जो बीजी कोचेज का 3 शेड्यूल है ABC। ए शेड्यूल होता 1 month, 1 month, 1 month प्लस माइनस 3 days, ये हो गया ए शेड्यूल का। बी शेड्यूल का हो गया 3 month, 3 month, ठीक है, 3 month प्लस माइनस 7 days। सी शेड्यूल का हो गया 6 month, ठीक है, 6 month प्लस माइनस 15 days, याद कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेड्यूल कब कब, ए शेड्यूल करते हैं ये 1 month प्लस माइनस 3 days पे, बी शेड्यूल करते हैं 3 month प्लस माइनस 7 days,
सी रिशेड्यूल करता है 6 मंथ प्लस माइनस 15। ये कोच का शेड्यूल किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर बनाया जाता है। मैनिपुलेटर मान लीजिए इस टाइप से बना दिया मैनिपुलेटर, इसमें इस टाइप से लगा दिया, इसमें एक हैंडल लगा दिए। अब कोई भारी सामान है इसको इसमें अटैच करके एक ही आदमी इसको मैनुअल करके इस सामान को उलट सकता है, पलट सकता है, डाउन हैंड बेंडिंग आराम से कर सकता है, इसीलिए मैनिपुलेटर का काम आता है। डी ओ एन डाउन हैंड बेंडिंग, ठीक है। तो मैनिपुलेटर का काम क्या होता है, डाउन हैंड बेंडिंग। याद रखिए मैनिपुलेटर क्या काम करता है, डाउन हैंड बेंडिंग। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ मेटेलिक कमोड चूज पेंटिंग। तो जो कमोड होता है उसका पेंटिंग एवरी मंथ करते हैं, वन मंथ, एकदम सीधा सीधी बात है, वन मंथ, ठीक है। लेबोरेटरी को बी शेड्यूल में पेंट करते थे, वन मंथ पे यहाँ पेंटिंग करते हैं। इसके बाद व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग एंड फ्लशिंग ऑफ ओवर हेड वाटर टैंक, ये भी वन मंथ हो जाएगा। पानी की टंकी को साफ करते हैं वन मंथ पे, वन मंथ, ठीक है। इसके बाद एट व्हाट इंटरवल द क्लर्क, एट व्हाट इंटरवल चेकिंग एंटी क्रोसिव पेंट इन कोमोड, ये भी वन मंथ पे, एंटी क्रोसिव चेक करना है वन मंथ पे करना है, वन मंथ, ठीक है। यानी कोमोड को भी एक मंथ पे चेक करना है, एंटी क्रोसिव को भी वन मंथ पे चेक करना है, वाटर टैंक को वन मंथ पे चेक करना है, कार्पेट ऑफ एसी का अपार्टमेंट का वन मंथ पे करना है, वाटर टैंक हो गया, इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ कोच को भी वन मंथ पे करना है, ठीक है। इसके बाद एट व्हाट इंटरवल आईओएच ऑफ आईसीएफ कोचेज इज डन, आईओएच ऑफ आईसीएफ कोच कितना, 9 मंथ प्लस माइनस 9 मंथ पे होता है, 1 रखिए प्लस माइनस 1 मंथ रखा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी, एफआरपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एफआरपी ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफआरपी ये होता है फाइबर, फाइबर रेन फोर्स, फाइबर रेन फोर्स प्लास्टिक, रेन फोर्स प्लास्टिक, फाइबर रेन फोर्स प्लास्टिक, एफआरपी पूछता है। एट व्हाट इंटरवल आईओएच ऑफ शताब्दी कोचेज, जो भी होगा 9 मंथ भी होगा, तो आईओएच कितना होगा, 9 मंथ शताब्दी कोच का, जो भी स्पेशल गाड़ी है सब जितना भी है सबका 9 मंथ पे आवेश होगा। अच्छा, इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोचेज इज, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। अब किसी कोच में, अब किसी कोच, ये कोच है, ये बोगी है, किसी ये पटरी है, किसी कोच में देखे होंगे नंबर लिखा रहता है यहाँ पे 1 2 3 ए बी इस टाइप से, तो ए बी जिसे 1 2 3 करके ए बी लिखा है, मतलब इसमें एयर ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोच, ए बी इज रिटेन नियर कोच नंबर। इसके बाद व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ आईओएच ऑफ द आईसीएफ कोचेज एक्सेप्ट राजधानी शताब्दी, ये सबका वही है 9 मंथ दिया है, 6 मंथ इसमें दे रखे, 9 मंथ ही होगा। वेयर हैज बीन डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन आईसीएफ आरसीएफ कोचेज, अभी बोला डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ पर रहता है, आप देखे होंगे डिस्ट्रक्शन ट्यूब, आप बफर प्लंजर में भी डिस्ट्रक्शन ट्यूब लगा रहता है, इसके अंदर भी डिस्ट्रक्शन ट्यूब लगा रहता है, और ये हेड ऑफ स्टॉक से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो सीधा सीधी बोल दीजिएगा कि बिटवीन मेन हेड ऑफ स्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेड ऑफ स्टॉक, किसमें रहेगा, मेन हेड ऑफ स्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेड ऑफ स्टॉक में, ये डिस्ट्रक्शन ट्यूब, एक हेड ऑफ स्टॉक होगा, ये इस तरह से गोल रहता है पूरा सिलेंडर टाइप पे, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रक्शन ट्यूब। तो डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ रहता लगा, बिटवीन मेन हेड ऑफ स्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेड ऑफ स्टॉक। तो ये आज का ये चैप्टर खत्म हो गया, पहला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है सब, इसको याद कर लीजिए, जिससे जिससे हम बताते जाएंगे डिटेल बताते जाएंगे, याद करते जाइए, आपको फोर्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे, टेक्निकल एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 सीबीसी एंड ड्राफ्ट गियर, ये भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र।